जो ये शूज पहनता है वो क्या हमने पाकिस्तान में बनाए हैं? जो बेस्ट शूज जो भी वर्ल्ड के जो भी उससे नीरज चोपड़ा से आप पूछ रहे हैं कि उसने कहां से लिए हैं, और इसको पूछ रहे हैं इसके कहां से आए हैं। 10 अकेडमीज हैं एथलेटिक्स की सिर्फ इंडिया में। आप जरा अंदाजा करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। हम कंपैरिजन देखते हैं, हम देखते हैं नीरज चोपड़ा इस वक्त यूएस में बेस्ट फैसिलिटीज पे बैठा हुआ है। जो कोच है नीरज चोपड़ा का, ही इज नॉट जस्ट अ कोच, बायोमैकेनिक एक्सपर्ट है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट कोचेस जेवलिन थ्रो के हवाले से। भारत को देखें कि वो चंद महीने पहले वो तीसरे नंबर पे थी, और अब इसमें देखें कि वो फिर एक एशिया और जो वर्ल्ड कप में देखें आप कितना फर्क है, ये चीज हमें दूर करनी चाहिए। तो नीरज चोपड़ा की आप मिसाल दे रहे हैं, उसका कोच क्यों नहीं आ गया इंडिया में? वो क्यों अमेरिका बैठा हुआ है? उसको क्यों पहले जर्मनी या फिनलैंड भिजवाया गया? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट डिबेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लाला, मैं आपसे बात अब करना चाहूंगी इस बारे में, जिस तरह अर्शद ने अभी मेंशन किया नीरज चोपड़ा की हम बात करते हैं। बड़ा जिस वक्त नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, उस वक्त बड़े पुरजम हो गए थे हम भी कि हम अब अर्शद के लिए बैकिंग करेंगे और अर्शद को सारी फैसिलिटीज फराहम करेंगे, हर चीज अवेलेबल होगी। मगर जब हम कंपैरिजन देखते हैं, हम देखते हैं नीरज चोपड़ा इस वक्त यूएस में बेस्ट फैसिलिटीज पे बैठा हुआ है। जो कोच है नीरज चोपड़ा का, He is not just a coach, biomechanic expert है, he is one of the best coaches javelin throw के हवाले से। और Dr. Klaus की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी फतवात उनके अपने उनके पास भी हैं। सो जब मैं ये बात करती हूँ फैसिलिटीज़ की, आउटस्टैंडिंग फैसिलिटीज़ जो कि US में इस वक्त नीरज चोपड़ा जो सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उनको, साथ ही साथ एक ज़बरदस्त कोच, तो फिर हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं जी अर्शद नदीम भी उसी तरह की परफॉर्मेंस करें, जब ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं यहाँ पर। सवेरा अर्शद की बात की मैं सुन नहीं पाया था, आवाज़ आ नहीं रही थी, काश मैं प्रॉपर उसकी बात सुनता, इसलिए एज अ प्लेयर मैं समझता हूँ कि प्लेयर की फीलिंग को जानता है पहचानता है। बाकी जनरल साहब की बात मुझे ज़रा क्लियर समझ नहीं आई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है होने के बावजूद फिर क्या प्रॉब्लम है। के क्या हमने सिर्फ एक दो बच्चे ही तैयार करने अगर खुद से करना है? अकरम साई साहब कि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ उस तरह की नहीं है जिस तरह हम वर्ल्ड फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। हमारे पास जो जेवलिन थ्रोज़ हैं, क्या हमारे पास वो कार्बन के जेवलिन थ्रोज़ यहाँ पे मौजूद हैं? हमारे पास ट्रैक ज़रूर है, बट ट्रैक के अलावा क्या सारी फैसिलिटीज़ वैसी हैं? मैंने जैसे कहा कि चूँकि सब लोगों को पता नहीं है कि जेवलिन के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए। जो ये शूज़ पहनता है वो क्या हमने पाकिस्तान में बनाए हैं? जो बेस्ट शूज़ जो भी वर्ल्ड के जो भी उससे नीरज चोपड़ा से आप पूछ रहे हैं कि उसने कहाँ से लिए हैं, और इसको पूछ रहे हैं इसके कहाँ से आए हैं, एक ही जगह से आए होंगे। तो ये इसकी जेवलिन जी आपने बात की, वो कार्बन वाला जेवलिन जो बेस्ट इसको चाहिए है, जो उसके पास है वही इसके पास है। अब दूसरी बात ये है, सेकेंड ये बात आ रही थी कि अच्छा जी तो बाहर से कोच क्यों नहीं यहाँ पर आ सकता, ये क्यों इसको भिजवाना क्यों ज़रूरी है? तो नीरज चोपड़ा की आप मिसाल दे रहे हैं, उसका कोच क्यों नहीं आ गया इंडिया में? वो क्यों अमेरिका बैठा हुआ है? उसको क्यों पहले जर्मनी या फिनलैंड भिजवाया गया? ये देखिए, ये हमारी गेम है, हमें ये पता है बाहर से कोच वो आएगा जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती, बिकॉज वहाँ जिन कोचेज के पास हम भेज रहे हैं वो दुनिया के बेस्ट कोचेज हैं, वहाँ पर उन्होंने अपनी अकेडमी बनाई हुई है। वो अकेडमी छोड़ के जिसके पास सारी दुनिया के जेवलिन थ्रोअर आ रहे हैं, ये अभी जो साउथ अफ्रीका वाला मैं आपसे शेयर करूँ कि जो जर्मनी के इस वक्त बेस्ट नंबर वन नंबर टू हैं बैटर जो उनका है वो वहां पे कर रहा है। ये नीरज ने वहां जाना था, ये ओमिक्रोन की वजह से अमेरिका गया है। ये इतनी मट्टी जरखेज है कि बगैर किसी सरपरस्ती के, बगैर किसी कोचिंग के वो तमाम लोग इतना करीब पहुंच गए। लेकिन अगर जिस तरीके से इंडिया में नीरज को मिली थी सपोर्ट, या और दुनिया के अंदर होता है, जर्मनी ने जितने पैसे खर्च किए हैं हम सोच भी नहीं सकते, तो वो पता नहीं हमारे एथलीट शायद 3-4 गोल्ड मेडल ले आते।
उनकी तैयारियां होती हैं। ये नहीं है कि पैसा हमारे पास सिस्टम नहीं है। देखें, अगर हम पैसा भी लगाते हैं किसी जगह पे जमा करते हैं, मैं इन चार पांच लोगों से कहता हूं कि जाइए जरा जमा करते हैं, हम पैसा जाके सड़कों पे भी जमा कर लेंगे, ये नहीं पता कि वो पैसा जाएगा कहां पे, वो यूटिलाइज होगा या नहीं होगा। ये इतने बड़े सवाल जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, कल आपने सुना होगा हमारे एक दोस्त हैं उड़ीसा भारत से शो का हिस्सा थे और उन्होंने ये बात कही कि 10 अकेडमीज हैं एथलेटिक्स की सिर्फ इंडिया में। आप जरा अंदाजा करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। वो नीरज तकरीबन 6 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं, 6 करोड़ रुपए साल के इंडियन, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी हो जाता है। हमारे यहाँ पर था क्या अरशद नदीम के पास? राशिद कुरैशी साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ, आप इंटरनेशनल एथलीट हैं और एथलेटिक्स को बहुत करीब से देखते हैं। पाकिस्तान पहली मर्तबा एथलेटिक्स में क्वालिफाई करके ओलंपिक्स में गया अरशद नदीम की वजह से, फिर हम फाइनल में भी पहुंच गए। अरशद नदीम की जो जेवलिन थ्रो थी वो 86 पॉइंट समथिंग थी, जबकि यहाँ 85 ही वो कर सके, लेकिन अगर वो जो साउथ एशियन गेम्स वाली थ्रो कर जाते तो शायद मेडल की दौड़ में उनका भी नाम आ जाता। लेकिन वो जो एक साइकोलॉजिकल दबाव होता है, हम नीरज की बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे, हो गया नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं, अरशद के दिमाग में कितनी चीजें चल रही हैं, मेरे बाप राज मिस्त्री, मैं जरा उसको बड़ा करवा दूंगा, उनके गैराज को बड़ा करवा दूंगा, मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल में तालीम दिला दूंगा, कितने ख्वाब एक उस आदमी के जहन में चल रहे थे कि जिसको सपोर्ट करने के लिए भी जो लिमिटेड लोग वहां पर मौजूद है। अब कितना बड़ा फर्क पड़ता है इस चीज से कि जब आप फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं और प्रॉब्लम्स में आप तरबियत कर रहे होते हैं, एक खिलाड़ी तरबियत कर रहा है कि जिसको सारी दुनिया में ट्रेनिंग का मौका हासिल है, एक खिलाड़ी तरबियत हासिल कर रहा है कि जो दूध के लिए पैसे भी जो है ना वो जरा देना जरा अम्मी जरा लेके जाता है, तो कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है। शुक्रिया नसीम भाई। देखिए हमने अब करना क्या है, अब ये चीजें करना क्या है ये तो आगे करते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे तैयारी कर सकता है, मैं एक एथलीट के दिल से पूछ रहा हूँ, इन हालात में कैसे करेगा? समीउल्लाह हमारे साथ आज मौजूद हैं, वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट वी हैव द लेजेंडरी समीउल्लाह साहब इन आवर शो। समीउल्लाह साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। समी भाई, सबसे पहले तो बताइए आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान हॉकी के हवाले से। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो इंडिया के खिलाफ भी अच्छा खेला और साथ साथ जो है पाकिस्तान की हॉकी जो है वो बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान रिजल्ट पाकिस्तान के हक में नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है कि पाकिस्तान काफी अच्छे के बाद अच्छा खेल रहा है और मुझे खुशी हुई कि जितने मैच थे वो काफी बेहतर खेले। पहला मैच ड्रॉ भी किया, लेकिन इसके बावजूद अगर हम इंटरनेशनल देखें तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बहुत बेहतर होता जा रहा है और सख्त सख्त होता जा रहा है, उसमें बड़े सख्त मेहनत की जरूरत है। अब हमें यही सोचना चाहिए कि हम एशिया की लेवल पर 4th नंबर पे आए या 3rd नंबर पे आए या फाइनल खेला, हमें सोचना ये है कि हमारी टीम इस काबिल हो कि वो इंटरनेशनली कम से कम पहले 8 में आए, तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत की जरूरत है। जैसे अब भारत को देखें कि वो चंद महीने पहले वो 3rd नंबर पे थी और अब इसमें देखें कि वो फिर एक एशिया और जो वर्ल्ड कप में देखें अब कितना फर्क है, ये चीज हमें दूर करनी चाहिए। लेकिन एक खुशाइन बात जरूर है कि पाकिस्तान किस टूर्नामेंट में कर बहुत अच्छा खेल रहा है और चंद एक चीजें हैं जैसे पेनल्टी कॉर्नर बेहतर करना चाहिए, गोल कीपिंग थोड़ी बेहतर करनी चाहिए और मिड फील्ड जो कंट्रोल है वो बेहतर कर रहे, तो मेरे ख्याल में हम बेहतर कर सकते हैं।